हेलो गाइस, वेलकम बैक इन टुडेज वीडियो। कैसे आप सब? मैं हूं सुमित और आज मैं अगेन लेके आ गई हूँ सुपर कंफर्टेबल टॉपवेयर हॉल अंडर 399, मतलब 299 399 के बीच के प्राइस रेंज वाले मैंने पिक करे हैं। सुपर क्वालिटी के साथ रिसीव हुआ है। यहाँ पे गिंगम टॉप भी मैंने बाय किया है। गिंगम स्टाइल ना बहुत प्यारा लग रहा है, पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा दिख रहा था। मतलब ये ऑफिस कॉलेज को ध्यान में रख के मैंने सारे बाय करे हैं एंड इसे मल्टीपल तरीके से स्टाइल किया जा सकता है। और भी इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी 499 के अंदर में मैंने कुर्ता एंड कुर्ता सेट हॉल शेयर किया है फॉर यू गाइस, मीन्स ऑफिस एंड कॉलेज के लिए, तो वो भी जाके देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड यहाँ पे जो ज्वेलरी कुर्ता मैंने वेयर किया है सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो लेट्स बिगिन स्टार्टिंग विद दिस कुर्ती। सॉरी, तो ये पेपलम टॉप है एंड बहुत ब्यूटीफुल सा कलर। इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर मुझे पर्सनली फ्यूशिया पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। एंड टाई काइंड ऑफ पैटर्न में है, प्योर कॉटन की फैब्रिक है, फिटिंग बहुत अच्छी आई है। स्मॉल साइज मैंने पिक करा है, 3/4 स्लीव आएगी। इसे मैंने व्हाइट डेनिम के साथ स्टाइल कर रहा है। अगेन आई सेड इसे मल्टीपल यूज़ कर पाओगे। इसकी फैब्रिक सुपर स्मूथ है, जो एकदम कॉटन, प्योर कॉटन होते हैं ना वो वाले कपड़े हैं। और ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर अगर आप न्यूड कलर का ब्रा पहनते हो तो बिल्कुल विजिबल नहीं होगा, जैसा कि मैंने स्टाइल किया है एंड ट्राई ऑन। अगेन आई थिंक 299 250 के अराउंड की प्राइस थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। कलमकारी प्रिंट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो इसकी फैब्रिक अगेन प्योर कॉटन की है एंड ये गौरैया कोई ब्रांड है, उससे मैंने पिक करा है। लार्ज साइज मैंने ऑर्डर किया, आई थॉट कि ये थोड़ा सा स्मॉलर जाएगा एंड फिटेड भी हो सकता है, इसलिए मैंने सेफ साइड थोड़ा बिगर साइज ऑर्डर किया है। फ्रंट में आपको बटन की डिटेलिंग आएगी, पूरे में नहीं है, हाफ में आएगी। एंड नीचे पेपलम वाली पैटर्न है, लाइक यहाँ पे प्लिट्स देख सकते हो, मैं क्लोजअप शेयर कर दूंगी। ये सेमी ट्रांसपेरेंट है तो आसानी से न्यूड कलर के ब्रा के साथ आप टीम अप कर सकते हो। प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें स्लीव नहीं आई है, स्लीवलेस है। ये सिफॉन जॉर्जेट काइंड ऑफ फैब्रिक में है। अगर आप अपनी कर्वी बॉडी से परेशान हो ना, तो ये वाला ना, मतलब परेशान नहीं होना, सॉरी, मतलब ये टॉप आपको बहुत स्लिम दिखाएगा एंड बहुत फ्लोई फ्लोई है एंड बहुत कंफर्टेबल है, समर के अकॉर्डिंग है। इसमें मैंने मीडियम साइज पिक किया है। मैंने पिंक कलर ऑर्डर किया था पर मुझे येलो रिसीव हुआ है। पिंक कलर वाला मुझे बहुत पसंद आ रहा था। एंड ये फुल स्लीव में यहाँ पे ना टाइप वाली डिटेलिंग दी गई है, फ्रिल ऐड किया गया है। पहनने के बाद इसकी लुक बहुत ही अच्छी आ रही है, सेम ही ट्रांसपेरेंट है। इसमें भी अगेन आपको न्यूड कलर की ब्रा आसानी से चली जाएगी एंड कपड़ा बहुत तो अच्छा है। फाइनली आ गए हैं गिंगम स्टाइल की टॉपवेयर के पास। तो ये वाला पैटर्न ना, गिंगम वाला ना, अभी पिंटरेस्ट पे बहुत दिख रहा था, तो मैंने बहुत सर्च किया है अमेजोन पे। और जब मैंने देखा ये 399 का दिख रहा है, तो मैंने जल्दी से ऐड टू कार्ट कर लिया एंड ऑर्डर कर लिया। एंड आई एम सो श्योर जो कॉलेज गोइंग है या ऑफिस गोइंग, उनको भी पसंद आ रही होगी। एंड ये शर्ट पैटर्न में है, तो फ्रंट से पूरा बटन आएगा। एक साइज आप ही मंगाना, ये थोड़ा फिटेड आया है मुझे। काफ़ी बिग साइज कॉलर वाला पैटर्न है, फुल स्लीव आएगी एंड स्लीव में बटन वाली डिटेलिंग है। जो शर्ट वाला पैटर्न है प्योर कॉटन है, सुपर कम्फर्टेबल है, कलर बहुत प्यारा लग रहा है, पहनने के बाद लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट मैंने मैक्स की क्रॉप टॉप बाय करी है इन चेक पैटर्न। एंड ये बाय जो मैंने किया ना, उस टाइम इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने वेट किया एंड इसके सारे जो साइजेज है ना आउट ऑफ स्टॉक हुए थे। एक साइज अवेलेबल था, स्मॉल आई थिंक, तो मैंने जल्दी से स्मॉल ही ऑर्डर कर लिया क्योंकि प्राइसेस काफ़ी डाउन हो गया था 399 के आसपास। वी नेक से ना काफ़ी अच्छा स्लिमिंग इफेक्ट आ रहा है एंड कमर के साइड में अब बहुत चौड़ी बॉर्डर ना इलास्टिक की मिल जा रही है, जिससे अगेन आप स्लिम दिखोगे। एंड इलास्टिकेटेड आपको स्लीव मिलती है, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि मैक्स को मैक्स ही जानते हैं वो। एंड लुक बहुत अच्छा आ रहा है, मैंने वाइट डेनिम के साथ स्टाइल करा है। सो ये वाला भी शर्ट स्टाइल में है एंड बेज कलर इसका बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे इसमें डाउट हो रही थी यार कैसी क्वालिटी आएगी, पर क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। फ्रंट से ना पूरी बटन आएगी, मतलब पूरा शर्ट पैटर्न में ही है। साइज मैंने मीडियम बाय करा है एंड फुल स्लीव आएगी। स्लीव में आपको इलास्टिकेटेड पैटर्न है, कम्फर्ट फिट बहुत अच्छी आई है।
ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बहुत सारे शर्ट में होते हैं ना बटन बीच में से विजिबल होने लगते हैं, इसकी फिट बहुत अच्छी आई है। ये शोल्डर साइड में आपको बहुत अच्छा सा एक स्ट्रिच काइंड ऑफ पैटर्न मिला है, एंड ये ना क्रश काइंड ऑफ फैब्रिक में है जिसमें बहुत सारे ब्रांड बना। ओके गाइस, तो फाइनली लास्ट टॉप वेयर के पास पहुंच चुके हैं। ये 550 की थी, मैंने ट्राई किया है। सो मैं ना उन लोगों में से हूँ जो अगर डीप नेक या समहाउ किसी तरह से भी डिस्कम्फर्ट होती है ना, ऑफ कोर्स आजकल इनविजिबल टेप है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर अगर आपको कंटिन्यू पहनना है मीन्स कंटिन्यू इन सेंस ऑफिस के लिए या कॉलेज के लिए, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ना। कंफर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। सी ग्रीन कलर और मीडियम साइज़ में मैंने बाय करा है। इसमें दो डोरी आएगी, एक डोरी एक साइड से होल आएगी, उससे आपको एंटर करके पूरा रैप काइंड ऑफ पैटर्न है। एंड इसी डिस्कम्फर्ट की बात कर रही थी मैं, मुझे इस टॉप में बिल्कुल कंफर्टेबल मैं फीलिंग करती हूँ। एंड नीचे के साइड ना फ्रिल काइंड ऑफ पैटर्न है, इसका क्रश काइंड ऑफ फैब्रिक है। कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, सेमी ट्रांसपेरेंट आएगा और लुक भी पहनने के बाद अच्छा आ रहा है, पर वो नेकलाइन जो है ना थोड़ा डीप एंड समाउ थोड़ा डिस्कम्फर्ट मेरे लिए हो जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, प्लीज कमेंट बताओ। आप बताना कि आपको आज के कलेक्शन से क्या ये पसंद आया है एंड आपके कलेक्शन कैसी लगी है। तो दोनों ही चीज़ें आप मुझे कमेंट बता देना, थोड़ा सा मोटिवेट कर देना। एंड यहाँ पे आपके लिए भी मोटिवेशन के लिए मैं यहाँ पे गिव अवे अनाउंस कर रही हूँ। ये वाला ना ड्रेस पे बहुत सारे कमेंट आए थे, तो आई थॉट कि चलो आप में से ये किसी एक के लिए ये ड्रेस मैं एज ए गिफ्ट शेयर करती हूँ। आप ही मुझे कमेंट बताओगे कि किस तरीके से मैं विनर अनाउंस करूँ या आप पे मैं छोड़ती हूँ। आप अपने सजेशन मुझे कमेंट में दे सकते हो। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ही आपने नोटिस किया होगा कि अबाउट गिव अवे एंड ऑफ कोर्स इन्होंने देखा होगा, दे आर माई ट्रू व्यूअर्स। एंड ऑफ कोर्स जो गिव अवे विनर्स होंगे वो मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए, कंटिन्यू कमेंट्स वगैरह आते रहने चाहिए, मीन्स बिल्कुल नॉन कमेंट वाले सॉरी नॉट अलाउड। तो बी एक्टिव एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फॉर मोर अपडेट एंड टू विन। एंड इसकी जो विनर्स मैं अनाउंस करूँगी आई थिंक आफ्टर 2 मंथ या 1 मंथ, जैसे आपके रिस्पॉन्सेस आते हैं। मैं तो फिर मैं भी टर्म गायब हो जाऊँगी अगर आपके रिस्पॉन्सेस नहीं आएंगे तो। सो बस मैंने सोचा ये थोड़ा शेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं, बहुत टाइम हो गया ना। मैंने बर्थडे में भी सोचा हुआ था पर फिर उस टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई, सो मैंने फिर प्लान ड्रॉप कर दिया है। एंड आज फाइनली अनाउंस कर रही हूँ एंड आप पे ना शॉर्ट आउट देना चाहूँगी इन दो व्यूअर्स को एंड दो बहुत प्यारे कमेंट करने वाले को। सो थैंक यू गाइज, कीप मोटिवेटिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।